तो कैसे हाल होगा आप सब? आई होप आप अच्छे हो गए यार। रिसेंटली आपको क्या पता है, इंस्टाग्राम पे नया अपडेट आया है, तो बहुत लोगों को पता हुआ नया अपडेट आया, पर बहुत लोगों ने गलती से भी नॉट नाउ कर दिया होगा। बट उस नॉट नाउ करने के बाद आपको नहीं मिल रहा है कि वो अपडेट में कहाँ से दोबारा लेके आऊँ। तो भाई आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे शुरू से। तो कैसे आपको अपडेट करना है आपको पता होगा, हमने देख लिया होगा कि क्या क्या सिस्टम आएगा, ठीक है, हम लिखा होगा, पर अपने कैसे देख नहीं पाया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो अपडेट लिखा है कहाँ से दोबारा लेके आया, और जो ये वाला साइड है देख सकते हो आप कि कैसे जो अपना चैटिंग का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। अब वो कोई भी ऐप की जरूरत नहीं, ये खुद इंस्टाग्राम का अपडेट है जो कि आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्टिवेट ना करो तो भी अलग बात है, करो तो सभी सही है। दो अपडेट ऐसे हैं जो कि सही अपडेट है, मेरे को सही लगा, क्योंकि हम जब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप को पता होगा आप किसी भी मैसेज को स्लाइड करके उससे पकड़ कर आप कोई मैसेज कर सकते हो, तो बहुत ही सही है वो। तो ऐसे बहुत अपडेट आया तो हम चेक करके भी कैसे ऑन करना है और अपडेट किया है। तो मेरी वीडियो है जरूर पूरा देखना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर जरूर करना भाई के लिए, और कमेंट बताना कि आपको अपडेट्स कैसे लगा और ये वीडियो भी कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देखो, अच्छे लगेगा। और अगर फॉलोअर्स की टिप्स एंड फॉलोअर्स के जो वेबसाइट होते हैं, फ्री फॉलोअर्स के जो होते हैं ऑटो फॉलोअर्स, वो भी आपको मिलते रहेंगे कैसे कहाँ से और क्यों। तो शुरू करते वीडियो को, कोई बकवास नहीं करेंगे अभी। तो सिंपली आपको अपना जाना है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे जो आप जाते ही आपको नीचे आपको प्रोफाइल का सिस्टम होता है, यहाँ पे प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करना है आपको। तो आप प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाओ कुछ ऐसा, एक मिनट हटा देते से, फिर आपको ऊपर जाओगे, ऊपर थ्री ऐसे लाइन मिलेगा आपको, देख सकते हो यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल। तो इस पर क्लिक करते हैं हम, क्लिक करते आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, फिर आपको इसको दबाना है, यहाँ पर दबाते आप पहुँच जाओगे सेटिंग में, फिर देन आपको ऊपर सिंपल लिखा होगा अपडेट मैसेजिंग, जो कि आपको यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको देख गया होगा, क्लिक करते हैं आपको इस ऑप्शन मिल गया है अपडेट एंड नोट ना होगा, आपको करना है अपडेट दबाना आपको, ठीक है, याद रखना। जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही है, क्लिक करते आपको देखो पच्चीस में दिखा रखा है चेंज योर चैट कलर्स एंड रिएक्ट विद एनी इमोजी, बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है आपको, बट आपको यहाँ बाकी इमोजी का काम नहीं है, बस आपको दो का काम है, दो अपडेट पर मेन है, बाकी अपडेट आपको किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो ये किसी काम के होते नहीं, फालतू भी होती है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हो चुका है सिंपल, आपको आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है। तो अब चेक करते हैं अपडेट को क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, किसी एक बंदे को किसी मैसेज करता हूँ, जिस मैसेज में दिखाऊंगा कैसे आप कलर चेंज कर सकते हो और कैसे नहीं। एक्टिव तो कर दिया है, बट अब उसको और भी एक्टिव करना होता है कि कलर कैसे चेंज करें, वो अपडेट भी करना, जो एक्टिव है वो करना पड़ता है। तो एक्टिव कैसे करना है आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम किसी भी मैसेजिंग चुन लेते हैं जिसको वो मैसेज करना है, राइट। तो यहाँ पर चल लेते हैं किसको करते देते हैं, जैसे बहुत बंदे तो बहुत ही है, इसको करते हैं उसे भी मैसेज करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं मैसेज करके। पहले ये मैंने कुछ मैसेज कर दिया, भेज दिया मैंने उसको, यहाँ पे मैं पर्पल हो गया, फिर ब्लू हो गया, राइट। बट ये मेरे को और भी कलर चाहिए, ऐसे बहुत सारे कलर मिल गया। तो आपको सिंपल करना है कि आपको ऊपर देखो आई बटन होगा, देख सकते हो आई बटन, जिसके भी मैसेजिंग चेंज करना है आपको उसी के आई बटन में क्लिक करना, चाहे आपके एक गर्लफ्रेंड हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो, उस हिसाब से। तो आपको फिर जाकर यहाँ यहाँ पर जाना है, आई बटन में क्लिक करोगे यहाँ पे एक आ जाएगा कलर का ऑप्शन, एक आगे थीम, जिस पर भी क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे उसी पे ही। तो क्लिक करते आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए, देख सकते हो आपको प्राइड हो या बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे, जो कि आप लव वव जो भी आपके हिसाब से, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, जैसे आपके जो रिलेशन होगा वैसे हिसाब से आप लग सकते हो कलर। मैं कहूँगा प्राइड यूज़ करिए, प्राइड बहुत ही सही है, या तो आप यूज़ करें अपना ये यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, मैं यूनिकॉर्न ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है फिलहाल, या बैरी, क्योंकि इससे होता है कि आप मैसेजिंग करते हैं तो और भी सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा, बाकी ना सुंदर नहीं है, और प्राइड भी अच्छा है, प्राइड रेमो जैसा है। तो हम इसको भी चॉइस करते, प्राइड चॉइस करते, पर मैं नहीं, अभी हम चॉइस करने वाले कौन सा यूनिकॉर्न लेते हैं, हाँ यूनिकॉर्न करते हैं क्योंकि ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो हाँ यहाँ करते हैं। तो सिंपली ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं दिखा दूँ कैसे ये सिस्टम क्या है, आखिर कैसे कलर चेंज होगा। मैं मैसेज कलर ऑरेंज है, जिससे मैं आपको मैं कीबोर्ड काट देता हूँ, फिर देखते हैं मैसेज कलर चेंज होता है। अभी ऑरेंज है सब, देखिए देख सकते पता है, येलो फिर ऑरेंज कलर चेंज ऐसे हो गया, कैसे अभी कैसे हो रहा है मैं बताने वाला आपको, ठीक है। तो पहले बारे में टाइप कर देता हूँ राइट बैक, देख सकते हो अब मैं ऊपर से लाइन खींच रहा हूँ। अब क्या होगा, जब भी आप चैटिंग करोगे तो ऊपर से यहाँ तक जितने भी जो चैट्स हो गए उसके हिसाब से कलर चेंज होते रहेगा, जैसे रेनबो को होता है वैसा, ठीक है। मैं कहता हूँ कैसे, मैं यहाँ बहुत सारे मैसेज करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ सर, मतलब आपके और आपके फ्रेंड्स के हिसाब से बहुत सारा चैटिंग हो रहा है, ठीक है। चैटिंग करने के बाद जैसे आपको चैटिंग बन जाता है ऊपर फुल वैसा, अब देख सकते हो ऊपर, देख सकते हो पीला से लेकर नीला तक नीला जा रहा है, क्यों ऐसे होते हैं कलर, ठीक है। अब यहाँ प्राइड यूज़ करिए, प्राइड ज़्यादा यूज़ अच्छा लगेगा क्योंकि रेनबो कलर होता है बहुत, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट देखते हैं क्या है अब। तो नेक्स्ट अपडेट कुछ ऐसा है, ठीक है, आप किसी अगर मैसेज करते हो तो वहाँ पे आप जैसे आपका व्हाट्सअप पे इसे देखा होगा कि आप किसी मैसेज ड्रैग करके आप इसको
भेज सकते हो। डेटा मैं कहता हूँ यार मैसेज, ठीक है, हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक अपडेट आया था कि आपको नीचे आ जाता है यहाँ पे अनसेंड का, पहले आपका वहीं पर आता था आपका ऑप्शन, बट आपके यहाँ नीचे रिप्लाई अनसेंड एंड मोर का ऑप्शन आ गया है। एंड आपका रिप्लाई का ऑप्शन बताता हूँ कैसे, अगर यहाँ रिप्लाई करते हो ठीक है तो बस क्लिक कर सकते हो, बट और एक तरीका भी है जैसे आप उसको पकड़ के, उस मैसेज को पकड़ के रिप्लाई दे सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे दे सकते थे आप। राइट, आप समझ गया हो क्या करना आपको, आपको लाइन खींचना नहीं है यहाँ पे, आपको करना क्या, जो उस मैसेज को आपको भेजना है उस मैसेज को क्लिक करके खींचना है इस साइड लेफ्ट या राइट, ठीक है, खींचना आपको तो लेफ्ट इसलिए होगा कि हम मैसेज करते हैं लेफ्ट हो उसका तो राइट होता है ऐसे, ठीक है, जैसा भी, तो ऐसे आप भेज सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सेकंड आप अपडेट देखो कह सकते हो यही है बस, तो और कुछ है नहीं, बाकी सब अपडेट बेकार है, बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, तब तक टाटा।